हेलो गाइस एंड वेलकम, दिस इज़ अजय पांडे और मैं आप सभी के सामने डेली करंट अफेयर्स का वीडियो लेके हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो में मैं 5 सितंबर का करंट अफेयर्स डिस्कस करूँगा। और दोस्तों, हमारे फ्री कंटेंट या जॉब अपडेट के लिए आप अपना नाम हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं एंड यू कैन डाउनलोड आर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर फॉर मोर स्टडी मटेरियल और फॉर मोर कंटेंट। तो चलिए शुरू करते हैं और हमारा पहला टॉपिक है कि एशिया इंडेक्स लॉन्च S&P BSE प्राइवेट बैंक इंडेक्स। तो गाइज, एशिया इंडेक्स ने S&P यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर इनकॉर्पोरेटिव, जो कि एक अमेरिका की कंपनी है, और BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जॉइंट वेंचर में एक इंडेक्स लॉन्च किया है। और इस इंडेक्स से वो प्राइवेट बैंक्स की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकेंगे। और गाइज, इस इंडेक्स को इंडियन रुपीज़ और US डॉलर में BSE द्वारा कैलकुलेट किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th सितंबर। तो गाइज, 5th सितंबर को टीचर्स डे मनाया गया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती में मनाया जाता है। और गाइज, इस अवसर पर हमारे वाइस प्रेसिडेंट M. वेंकैया नायडू न्यू दिल्ली में नेशनल टीचर अवार्ड या राष्ट्र शिक्षक पुरस्कार का वितरण करेंगे। और यह पुरस्कार प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी स्कूलों में काम कर रहे मेधावी शिक्षकों को सार्वजनिक मान्यता के रूप में दिया जाएगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी ऑब्जर्व्ड ऑन September 5। तो September 5 को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी या राष्ट्र चैरिटी दिवस के रूप में भी मनाया गया। और इसकी घोषणा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली या संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2012 में की गई थी। और गाइज, इस दिन का मेन पर्पज़ है जागरूकता बढ़ाना और चैरिटी रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। इंटरनेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स समिट इन नेपाल। तो इंटरनेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स या अंतर्राष्ट्रीय महिला उद्यमी की समिट नेपाल काठमांडू में आयोजित की जाएगी। और इसका मुख्य उद्देश्य वुमेन बिजनेस लीडर, प्रोफेशनल, इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर और अन्य हितधारकों को साथ लाना है और इनोवेटिव इकोनॉमिक परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। गूगल विल हेल्प इलेक्शन कमीशन टू ट्रैक पॉलिटिकल एड्स। तो गूगल अब जल्द ही चुनाव आयोग को सभी ऑनलाइन पॉलिटिकल रिलेटेड ऐड जो भी हैं उन पर नज़र रखने में मदद करेगा। और गाइज, गूगल ऐसा मैकेनिज्म बनाएगा जो कि सभी पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट के पूर्व प्रमाणीकरण को इंश्योर करेगा और प्रचार में हुए खर्चों की डिटेल भी अथॉरिटी को शेयर करेगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। एंड आवर नेक्स्ट स्लाइड इज चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अफ्रीका को $60 बिलियन का फाइनेंशियल पैकेज अनाउंस किया है। और यह घोषणा FOCAC यानी कि फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन के सम्मेलन के दौरान की गई। तो गाइस, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट और लोन में सहायता करने के लिए एक मतलब कि फाइनेंशियल पैकेज अनाउंस किया है जो कि $60 बिलियन का है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। एंड आवर नेक्स्ट स्लाइड इज राजस्थान गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फ्री मोबाइल फोन्स। तो गाइज, राजस्थान सरकार जल्द ही बामाशाह योजना के तहत फ्री मोबाइल फ़ोन देगी उन महिलाओं को जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आती हैं। और गाइज, बामाशाह योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट या उनके लाभ को स्थानांतरित करना है। और गाइज, गवर्नमेंट 5000 ग्राम पंचायत को फ्री वाईफाई भी अवेलेबल कराएगी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। तो गाइज, हमारी नेक्स्ट स्लाइड ये है कि इंडो कजाकिस्तान जॉइंट एक्सरसाइज काजिन 2018 यानी कि भारत और कजाकिस्तान के बीच एक जॉइंट एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी जिसको कि काजिन 2018 कहा जाएगा। और गाइज, इस एक्सरसाइज का मेन ऑब्जेक्टिव है कजाकिस्तान सेना और भारतीय सेना के बीच के संबंधों को बढ़ाना और उनके अनुभवों को साझा करना। और यह अभ्यास ड्रिल और प्रक्रियाओं के आदान प्रदान के लिए मंच के रूप में भी काम करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। एंड हमारी नेक्स्ट स्लाइड इज कॉफी कनेक्ट मोबाइल ऐप लॉन्च्ड। तो गाइज, हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर मिस्टर सुरेश प्रभु ने कॉफ़ी कनेक्ट इंडिया कॉफ़ी फील्ड फोर्स नाम की एक ऐप लॉन्च की है और कॉफ़ी कृष्ण थरंग नाम का एक मोबाइल एक्सटेंशन लॉन्च किया है। तो गाइज, जो इसमें कॉफ़ी कनेक्ट जो ऐप है वो
वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए डेवलप की गई है, और कॉफी कृषि थरंग उसका जो मेन उद्देश्य है वो अनुकूलित सूचना और सेवाओं को प्रदान करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, एंड अवर नेक्स्ट टॉपिक इज दिव्यांश एंड श्रेया वॉन ब्रॉन्ज इन शूटिंग। तो दिव्यांश सिंह पनवार और श्रेया अग्रवाल ने ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की वर्ल्ड चैंपियनशिप के मिक्स्ड टीम जूनियर इवेंट में 10 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और गाइज यह चैंपियनशिप जो है वो टोक्यो में होने वाले जो 2020 ओलंपिक खेल हैं उनके लिए ये पहला क्वालिफाइंग इवेंट है या पहली क्वालिफाइंग स्पर्धा है। और सोफिया बेनेटी और मार्को सुपिनी की इटालियन जोड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है, और वहीं पे ईरान के सादेगियन आर्मिना और मोहम्मद आमिर ने सिल्वर मेडल जीता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर, एंड आवर नेक्स्ट स्लाइड इज नाबार्ड सैंक्शन ₹335 करोड़ टू वेस्ट बंगाल इन अगस्त। तो नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने RIDF यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत वेस्ट बंगाल को 335 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं। और गाइज ये फंड अगस्त में 158 लघु सिंचाई परियोजनाएं और 23 बाढ़ संरक्षण परियोजनाओं के लिए अलॉट किया जाएगा। और लघु सिंचाई परियोजनाओं में 22 जिलों के 699 गांव में 3.09 लाख की आबादी सहित 20,506 हेक्टेयर को लाभान्वित करने की उम्मीद है, जबकि बाढ़ संरक्षण परियोजनाएं जो नदी के कारण जो रैपिड बैंक के इरोजन हुआ है तो वो उस समस्या का समाधान करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, एंड माय नेक्स्ट टॉपिक इज HDFC इर्गो मेक साइबर इंश्योरेंस पर्सनल विद लॉन्च ऑफ E@Secure। तो गाइस HDFC इर्गो ने E@Secure नाम की एक पॉलिसी लॉन्च की है, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि HDFC इर्गो जो कि प्राइवेट सेक्टर में इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी है, उसने एक पॉलिसी लॉन्च की है E@Secure नाम की, जो कि साइबर अटैक या साइबर फ्रॉड या डिजिटल थ्रेट से किसी भी इंडिविजुअल को या उनकी फैमिलीज को प्रोटेक्शन देगी। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की 2016 की रिपोर्ट के अनुसार जो ये साइबर क्राइम्स हैं इनमें 2015 की तुलना में 6.3% की वृद्धि हुई है, और इसीलिए उन्होंने ये पॉलिसी लॉन्च की है ताकि इंडिविजुअल्स को या उनकी फैमिलीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, एंड आवर नेक्स्ट स्लाइड इज आरिफ अलवी इलेक्टेड पाकिस्तान्स न्यू प्रेसिडेंट। तो गाइस पाकिस्तान तरीके इंसाफ या PTI के कैंडिडेट आरिफ उर रहमान अलवी पाकिस्तान के 13वें राष्ट्रपति चुने गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिजल्ट का डाटा कंफर्म किया गया है, और चुनाव संसद भवन और 4 प्रांतीय असेंबली में एक साथ आयोजित किए गए थे, जिसमें कुल वोटों में से 27 को रद्द कर दिया गया है। और नेशनल असेंबली और सेनेट में कुल 430 वोट डाले गए, जिसमें अलवी को 212 वोट प्राप्त हुए, और राष्ट्रपति चुने गए अलवी निवर्तमान राष्ट्रपति ममनून हुसैन के बाद 9 सितंबर से यह पद संभालेंगे। तो गाइज़ ये था हमारा आज का डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, और एंड इफ़ यू वांट एनी सजेशन और एनी चेंजेस विद इन द वीडियो देन प्लीज़ डू कमेंट। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ अपडेट के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो थैंक यू गाइज एंड टेक केयर।